आज के दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाए जा रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत को मजरूह किया जा रहा है। मुझसे आकर कुछ लोगों ने कहा वो लोग कार्टून बना रहे हैं। मैंने कहा कोई चीज होती है तो उसका कार्टून बनाएंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तस्वीर ही नहीं है, ये तो ऐसे ही हो गया ना लतीफा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सही बुखारी का वाकया है कि लोगों ने आकर कहा ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उम्मे जमील है ना, वो आपको कहती है मुदम्मम मुदम्मम, मोहम्मद ने कहती थी। कि मोहम्मद का माना क्या होता है, वो जिसकी मैं तारीफ का कायल हूं, जिसकी मैं तारीफ को मानता हूं, ये मतलब है। अरब के लोग जानते थे अगर हम तारीफ करेंगे फिर उसके बाद उसकी बुराई करेंगे तो लोग बोलेंगे अभी तारीफ कर रहे थे अभी बुराई कर रहे क्या। यानी कि फिलॉसफी में कहते हैं सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट शुड बी रिजेक्टेड। एक आदमी कहता है मैं उड़ भी रहा हूं नहीं भी उड़ रहा हूं, तो लोग बोलेंगे जरा इनके का इलाज कराना पड़ेगा, दो दो बातें कर रहा है वो। मोहम्मद जैसे ही कह देंगे मतलब होता है मैं जिसकी तारीफ करता हूं। तो उम्मे जमील क्या कहती थी, मुदम्ममन असैना वदीनहु कलैना, मुदम्मम की मैं बुराई करती हूं और उसके दीन से मैं दूर होती हूं। तो लोगों ने आकर कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह औरत आपका मजाक उड़ा रही है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ सहाबा देखो तो देखो अल्लाह ने मेरी कैसी हिफाजत फरमाई है, ये कह रही है मुदम्मम, मैं तो मोहम्मद हूं, पता नहीं किस मुदम्मम की बुराई कर रही। अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर बुराई करना चाहता है तो वो स्टेटमेंट सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट होने की वजह से वो सेल्फ रिजेक्ट हो जाएगा। अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लेकर बुराई करता है पता नहीं किसकी बुराई कर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपका मर्तबा बुलंद कर दिया, कयामत तक कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई कर ही नहीं सकता नाम लेकर।